Hey everyone, welcome back to my channel. So today's video is going to be again Amazon. कल वीडियो नहीं आया उसके लिए so sorry. Actually for some personal reasons मैं अपलोड नहीं कर पाई वीडियो, और आज का वीडियो जो है इट इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी डिसेंट, और काफ़ी ऐसे क्लोथिंग्स हैं जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाले हैं. सो येस, सो आपको ये वीडियो पूरा देखना है. और भी बहुत सारे स्टाइल्स मैंने ऑर्डर किए हैं इन वेस्टर्न, एंड बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं चैनल पर, तो प्लीज़ आप एक भी वीडियो मिस मत करना. आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे लगेंगे, आपको मेरी चॉइस अच्छी लगती है, राइट? तो आपको और भी आगे सारी चीज़ें अच्छी लगेगी. सो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑप्शन को प्रेस कर देना, बिकॉज इससे क्या होता है ना कि आप जो है ना, आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है टाइम पर. वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है? प्लीज़ डू इट. एंड सबके लिंक्स आपको माई हॉल स्टोर में मिल जाएंगे. वन सिंगल लिंक माई हॉल स्टोर. आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के पिक्चर्स दिख जाएंगे. आप पिक्चर्स पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ये अमेज़ॉन के पेज पर डाइवर्ट कर देगा, वहाँ से आप इन्हें शॉप कर सकते हो. सो दिस इज़ सो ईजी. तो इसलिए आप ज़रूर जो भी अच्छा लगेगा आपको ना ग्रैब कर देना. अफोर्डेबल हॉल है आज का भी. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट जो कुर्ता है इट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल कारीगरी. और क्या हुआ था पता है, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था ना उसमें एक दो कुर्ते शायद ना विद इन 500 थे, लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ ना थोड़ी देर में उसके साइज प्राइजेस इतने बढ़ गए थे कि मतलब 200-300 का डिफरेंस हो गया था. सो बहुत लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने तो बोला इतना है लेकिन वो उतने में है, लेकिन आपने बहुत अच्छे वे में मुझे पूछा, किसी ने मुझे यू नो नेगेटिव वे में नहीं पूछा था. सो क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी कभी ऐसा नहीं करूँगी कि आपको प्राइस कुछ और बताऊँगी ऑब्वियसली. सो अभी आप देख सकते हो इसका प्राइस जो है ना, मैं अभी आपको लाइव दिखा देती हूँ. इसका प्राइस जो है ना इट इज़ 379 रुपीज़. ओके, सो ये वाला कुर्ता जो है 379 रुपीज़ का है, और ये अब मेरे हाथ में है. इसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे. आपको शेड्स की इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ. सो यू कैन सी देयर आर सो मैनी शेड्स, ब्लू, ग्रीन, पिंक और येलो, ऑरेंज, जो मैंने ऑरेंज पिक किया है वो भी है. सो डिफरेंट शेड्स है, 379 रुपीज़ में है, सारे साइजेस अभी अवेलेबल है. सो यू कैन जस्ट ग्रैब एनी ऑफ देम. और मुझे तो ये वन डे डिलीवरी में मिल गया था टुमारो. आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे टुमारो लिखा हुआ है. सो आप देख लेना आपके जो है ना लोकेशन पे कब तक आएगा. बट दिस इज़ सो नाइस, आई मीन कुर्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है. अगर आपको इस तरह के कुर्ता ना पहनना अच्छा लगता है ना, आप इसको ज़रूर ग्रैब कर लेना. सो इन जस्ट 379, स्मॉल मैंने साइज़ पिक किया है इसमें, और कॉटन फैब्रिक है ये. लुक एट द कुर्ता, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, मुझे एक्चुअली इसका लुक काफ़ी अच्छा लगा. बहुत ही डिसेंट सा लुक है इसका. और यू कैन सी यहाँ पर जो है ना, जो आपको बनारसी सिल्क साड़ी इसमें किस तरह से बॉर्डर मिल जाती है, वैसी बॉर्डर अटैच की गई है. ये वोवन फैब्रिक है. सो ये बॉर्डर यहाँ पे लगाई गई है इस तरह से. और ये फैब्रिक बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. यू कैन सी दिस इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. आई लव द कलर एक्चुअली. इसमें आप दूसरे शेड्स भी ग्रैब कर सकते हो. 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. फिर ओवरऑल कुर्ता जो है टोटली प्लेन है. ओके, और साइड कट इज़ प्रोवाइडेड. फ्रॉम बैक साइड यू गेट प्लेन कुर्ता. बट इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है ना, आप यहाँ पर ट्रायल देख सकते हो. एंड व्हाट यू डू इज़ यू नो, इसके साथ आप कुछ कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा टीम अप कर लो. दुपट्टे भी अमेज़ॉन पे आपको आराम से 200-300 के आसपास मिल जाएंगे. और आप बॉटम भी जो है ना आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हो, या फिर जो दुपट्टा आप यूज़ कर रहे हो उसी कलर का आप बॉटम यूज़ कर लो, या फिर आप गोल्डन कलर का बॉटम यूज़ कर सकते हो और गोल्डन दुपट्टा ले लो. बहुत सारे वेज है इसे स्टाइल करने में, या फिर आप उसको ऐसे ही वाइट बॉटम के साथ भी टीम अप कर सकते हो. सो देयर आर मल्टीपल वेज टू वेयर, इट डिपेंड्स ऑन यू आपको कैसे पहनना है इसे. सो यस, मुझे एक्चुअली कुर्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू टीम दिस. अब मैं ट्रायल तो इसके बाद ही करने वाली हूँ, बट आप देख लेना आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा ये कुर्ता आने के बाद. और यस, आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस. अगर आपको ये पसंद आ रहा है जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नेक्स्ट जो कुर्ता है इट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल शाश्वी, और साइज़ जो मैंने पिक किया है इट इज़ मीडियम, और मीडियम से ही स्टार्ट होता है. येस, और इसका प्राइस है 899. अभी तो मुझे स्क्रीन पर 899 ही दिख रहा है, तो येस आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट भी देख लीजिए. जो स्क्रीन शॉट मैं लगा रही हूँ वो तभी ही लेटेस्ट स्क्रीन शॉट है, तो वो आप देख लीजिए. बट दिस कुर्ता इज़ वर्थ फॉर द प्राइस. और आप देख सकते हो कितना ब्यूटिफुल है नेक इसका. आप देख सकते हो कि इस तरह से है, और यहाँ पर जो है बटन्स दिए हैं. दिस आर
ओपनेबल. ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5 बटन्स आर प्रोवाइडेड. बटन्स पर भी आपको इस तरह से ना मल्टी प्रिंट मिल जाएगा, मल्टी कलर में. और ये सारे बटन्स जो ओपन होते हैं, सो इट इज़ गुड फॉर फीडिंग मदर्स. और इसका लुक जो है ना, फ्लेयर काफ़ी है, तो मतलब आप प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज़ ऑल एम्ब्रॉयडरी. ओके, सो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ एंड हाउ नीट इट इज़. बहुत ही नीट है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है. सो आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस कुर्ता. इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इन द सेंस आई थिंक इसमें और दो शेड्स है, ब्लू एंड ऑरेंज. तो आप एक बार चेक कर लेना लिंक, अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप ये भी एक बार चूज़ कर सकते हो. मैंने पता नहीं क्या, मैंने शायद नेवी ब्लू चूज़ किया था या ब्लैक चूज़ किया था, मुझे ब्लैक आया है और शायद मैंने ब्लैक ही चूज़ किया था. सो इस तरह से है एम्ब्रॉयडरी, सो ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी है. और पहनने के बाद इसका लुक तो काफ़ी अच्छा आता है. इस तरह से बेल स्लीव्स प्रोवाइड किए गए हैं. फैब्रिक इज़ रेयॉन. ओके, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है. ए लाइन कुर्ता है और फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है. तो इसके नीचे आप बॉटम टीम अप कर लो, इसमें से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो. रेड यू कैन चूज़ या फिर ब्लू चूज़ कर लो. बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉन्ट्रास्ट लगेगा और काफ़ी अच्छा लुक आएगा. फ्रॉम बैक साइड इट इज़ टोटली प्लेन एंड आई रियली लव्ड इट. इन केस आपको ये अच्छा लग रहा है देन ग्रैब इट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नेक्स्ट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल यूरस. एक्चुअली ये कुर्ता सेट जो है ना, इस पर मेरी काफ़ी टाइम से नज़र थी. मैंने इसे मिंत्रा पर देखा था, सो मैंने ना सोचा कि चलो मैं इसे अमेजोन पर सर्च करती हूँ कि अमेजोन पर अगर मिल गया तो मैं अमेजोन से इसे ऑर्डर कर दूँगी. सो मुझे ये अमेजोन पर मिल गया एंड आई एम सो हैप्पी विद द परचेज. ये इतनी अच्छी क्वालिटी आई है एंड साइज जो मैंने पिक किया है इट इज़ स्मॉल. एंड ये आपको पाउडर ब्लू शेड में मिल जाएगा. सो दिस इज़ कुर्ता शरारा सेट. बहुत ही डिसेंट सा शेड है इसलिए मैंने इसे पिक किया है. सो पाउडर ब्लू मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से यू गेट शॉर्ट कुर्ता. ओके, सो राउंड नेक इज़ प्रोवाइडेड, स्लीवलेस है ये, इसमें स्लीव्स प्रोवाइडेड नहीं है. सो जो स्लीवलेस पहनते हैं वो इसे ग्रैब कर सकते हैं. एंड राउंड नेक है इस तरह से, पीछे से देयर इज़ अ टाइप, इस तरह से डोरी दी हुई है. और लेट मी चेक इफ टैसल्स आर गिवन. यस, इस तरह से आपको क्लोथ टैसल्स मिल जाएंगे. जो प्रिंट दिया हुआ है ना, इट इज़ बांधनी प्रिंट और फैब्रिक प्योर कॉटन है. ओके, सो आपको प्योर कॉटन अगर चाहिए सो आप इसको डेफिनेटली बाय कर लेना. सो थोड़ा फ्लेरी है, यू नो, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है. शरारा है इसके साथ तो बहुत ही ग्रेसफुल लुक आएगा. इवन फ्रॉम बैक साइड यू विल बी गेटिंग द सेम प्रिंट. इस तरह से बांधनी प्रिंट है और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. ओके, सी, और यहाँ पर जो है ना, इस तरह से क्लोथ फैब्रिक भी लगाया गया है. आई मीन लेस अटैच की गई है दोनों साइड से, पीछे से भी. सो शरारा इस तरह का है. सो इलास्टिक इज़ प्रोवाइडेड और शरारा की विद यू कैन सी इतनी है. बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है. दिस इज़ ब्रांडेड स्टफ़, सो डेफिनेटली गो फॉर इट. काफ़ी टाइम से मैंने यू नो विशलिस्ट करके रखा था इसे और मुझे जैसे ही अमेज़ॉन पे दिख गया मैंने इसे बाय कर लिया. आई एम सो हैप्पी विद द परचेज़. और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है. इनकेस आपको ये ग्रैब करना है तो मैंने लिंक दे दिया है. इसके साथ यू गेट दुपट्टा. सो दुपट्टा जो है इस पर लहरिया प्रिंट है इस तरह से. ओके, सो लहरिया प्रिंट है. सो आई रियली लव द वे इट इज़. और यहाँ पर ना टैसल्स दिए हुए हैं इस तरह से छोटे छोटे. क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और दुपट्टे का फैब्रिक भी जो है इट इज़ कॉटन. दिस इज़ प्योर कॉटन एंड यू कैन सी फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है. ओवरऑल प्रिंट जो है लहरिया है. सो पूरा सेट आपको बांधनी प्रिंट में मिल रहा है और दुपट्टा लहरिया प्रिंट में. सो टुगेदर इट रियली मेक्स अ नाइस सूट. सो यस, अगर आपको ये ग्रैब करना है तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है इट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड आयुक्ता एंड साइज़ जो मैंने पिक किया है इट इज़ स्मॉल. अब ये जो कुर्ता सेट है ना, ये कलर मुझे सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा. मतलब मुझे डेफिनेटली ये आपको रेकमेंड करना है बिकॉज द वे इट इज़, इसका लुक बहुत ज़्यादा प्यारा है. और मतलब जो शेड मैंने पिक किया है ना, इट इज़ पर्पल. और इसमें आपको और दो शेड्स मिल जाएंगे. आई विल शो यू इसमें और दो शेड्स कौन से अवेलेबल है. सी, इसमें यू विल बी गेटिंग रेड शेड. ये रेड शेड भी अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. यू कैन सी इट इज़ रियली नाइस. एक ऑलिव ग्रीन शेड भी है इसमें. सो यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड है ये भी.
दोनों भी शेड्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, रेड तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, ग्रैब कर लो इनकेस आपको रेड लेना है इसमें, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो न्यूली वेडेड ब्राइड्स है वो इसे रेड को पिक कर सकती है, या फिर अगर आपको ये वाला शेड भी पिक करना है तो आप कर लेना। सो लेट मी शो इट टू यू। फर्स्ट शेड्स की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आपको लेना तो आप ले सकते हो। सो राउंड नेक इज़ प्रोवाइडेड, फैब्रिक इज़ प्योर कॉटन, और लुक एट द शेड, मुझे शेड बहुत अच्छा लगा, मेरे पास इस तरह का शेड नहीं था एक्चुअली, सो इसलिए मैंने ग्रैब कर लिया इसे। और इस तरह से प्रिंट बना हुआ है, वाइट प्रिंट है पूरे ओवरऑल कुर्ते में, वो वाइट प्रिंट मिल जाएगा, बट दिस प्रिंट इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। सो मतलब ये मत सोचना कि प्रिंट निकल जाएगा, मुझे तो एज़ पर प्राइस इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। सो इस तरह से प्रिंट मिलेगा, पूरा कुर्ता ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड है, बट काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यू कैन सी नेक एरिया में यू गेट दिस सीक्वेंस वर्क, सो इस तरह से आपको सीक्वेंस वर्क भी मिल रहा है। ओके, यहाँ पर भी सीक्वेंस वर्क है। ओके, और यहाँ पे क्लोथ बटन्स भी है। सो ओवरऑल इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट द सेम प्रिंट इस तरह से। साइड कट इज़ प्रोवाइडेड, स्ट्रेट कुर्ता है। ओके, लुक एट द प्रिंट, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, और इसके साथ यू गेट पैंट। सो पैंट इज़ अगेन प्योर कॉटन और प्लेन, आपको मतलब कुछ भी इस पर वर्क नहीं है, प्लेन आपको पर्पल कलर का जो है ना पैंट मिल जाएगा। सो इलास्टिक इज़ प्रोवाइडेड और साइड पॉकेट्स नहीं हैं, और विड्थ जो है पैंट की इतनी है। ओके, यू कैन सी द फैब्रिक प्योर कॉटन है, सो ओवरऑल इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपको इस सेट को कंप्लीट करना है टोटली, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पेयर दिस विद इस तरह का दुपट्टा आपको अलग से लेना है, या फिर आप इसके साथ वाइट दुपट्टा भी टीम अप कर सकते हो। डोंट गो फॉर एनी अदर दुपट्टा, कॉन्ट्रास्ट इसका लुक ख़राब हो जाएगा। सो बेटर इज़ गो फॉर वाइट दुपट्टा या फिर पर्पल दुपट्टा। सो इस तरह से आप टीम अप कर सकते हो, या फिर उसको ऐसे ही पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस, आई रियली लव दिस सेट, इन केस आपको भी ग्रैब करना है देन लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपके लिए डिफरेंट स्टाइल्स भी लेकर आ रही हूँ। तो यस, सो दिस इज़ एक्चुअली कफ्तान, और ये है फ्रॉम ब्रांड कॉल जनसिया। इसका जो फैब्रिक है, दिस इज़ पॉली जॉर्जेट फैब्रिक, फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। वी नेक इज़ प्रोवाइडेड। ओके, और यू कैन सी पूरे कफ्तान में इस तरह से बांधनी प्रिंट मिल जाएगा, और आगे इस तरह से बीड्स भी लगे हुए हैं। आप मॉडल का पिक्चर देख सकते हो यहाँ पर, इसे पैंट के साथ टीम अप किया गया है, या फिर चूड़ीदार आप इसे पैंट के साथ टीम अप कर लो, या फिर आप इसे ड्रेस की तरह भी स्टाइल कर सकते हो, आपको बॉटम में कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइकिलिंग शॉर्ट्स पहन लो, 3-4 शॉर्ट्स पहन लो, दैट्स इट, आप इसे ड्रेस की तरह भी स्टाइल कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और स्मॉल साइज़ मैंने पिक किया है। ओवरऑल यू कैन सी द लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है, और फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो गेट द सेम लुक। इस तरह से आपको नहीं समझ आएगा, यू कैन सी द ट्रायल, आप ट्रायल में समझ पाओगे कि इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। और स्टिचिंग जो है ना, आपको जो कफ्तान की स्टिचिंग मिल रही है ना, ये आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैंने स्मॉल पिक किया है तो मुझे मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग ही मिला है। सो यस, काफ़ी अच्छा लगता है कफ्तान पहनने में, और अभी काफ़ी इन स्टाइल भी है। सो यस, यू शुड, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस वन। और मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा इसका फैब्रिक, और बहुत फ्लोई है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फ्रॉम बैक साइड आपको सेम लुक मिल जाता है, इनकेस आपको ये ग्रैब करना तो कर लेना। एक बार पास से मैं आपको ना इसका प्रिंट दिखा देती हूँ किस तरह से है। सो इस तरह से इसकी प्रिंट दी गई है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। सो इनकेस आपको ये लेना है देन लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कुर्ता मैंने पहना है ना, ये भी अमेज़ॉन से ही है, मैंने लास्ट वीडियो में इसे शो किया था, लास्ट वीडियो मेरा चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आप चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हो। सो जो कफ्तान मैंने आपको पिंक कलर में दिखाया, उसी में एक और शेड वेरिएशन है। सो दिस इज़ इन ऑरेंज शेड, और मुझे ये वाला शेड भी काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट है इसका प्रिंट आई गेस। सो यस, इसका प्रिंट थोड़ा डिफरेंट है। सो साइज़ जो मैंने पिक किया है, इट इज़ स्मॉल, और ओके, सो इसमें थोड़ा स्टाइल भी अलग है। सो यू कैन सी यहाँ पर आपको टाई अप भी मिल रहा है इस वाले कफ्तान में, पिंक वाले कफ्तान में टाई अप नहीं था, इसमें आपको मिल रहा है। सो आई रियली लव दिस शेड टू, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये शेड भी। सो ये भी आपको पॉली जॉर्जेट फैब्रिक में ही मिल जाएगा, और ऑरेंजिश टोन है। सो यू कैन सी पूरे कफ्तान में ना, ऊपर मतलब अपर सेक्शन में आपको इस तरह से सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है। ओके, और
यहाँ पर यू कैन सी थोड़ा लाइटर टोन है ऑरेंज का, सो बहुत ही ब्यूटिफुल सा लुक आ रहा है और टाई अप भी दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट टाई इट अकॉर्डिंगली इस तरह से, ओके और टैसल्स भी दिए हुए हैं क्रीम कलर में। और अगेन वही सेम चीज़ मैं कहूँगी, आपको जैसे स्टाइल करना है आप कर सकते हो, ड्रेस की तरह कर लो या फिर अगर आपको कुर्ती की तरह करना है तो आप बॉटम में कुछ तो वेयर कर लेना, वाइट कलर के पैंट्स या फिर चूड़ीदार, सो बहुत अच्छा लुक आएगा। यू कैन सी नीचे भी जो है ना बहुत ही डिफरेंट सा प्रिंट दिया हुआ है, बांधनी प्रिंट है ओवरऑल। फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो गेट द सेम प्रिंट, फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, सो डेफिनेटली गो फॉर इट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड नेक यू कैन सी किस तरह से है, यहाँ पे बेबी पिंक फैब्रिक अटैच किया गया है, सो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, यहाँ पर भी फैब्रिक अटैच है और यहाँ पे बटन भी है, क्लोथ बटन, ओके। और लेंथ काफ़ी अच्छी है, मुझे तो ये फुल लेंथ ही आ रहा है और यहाँ पे टाई अप भी दिया हुआ है। सो बेबी पिंक शेड में आपको यहाँ पे क्लोथ बेल्ट मिल जाती है, ओके और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है इसका। फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम लुक, सेम प्रिंट और फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा है, यू कैन सी। और ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूँ सो ये स्लाइटली ट्रांसपेरेंट है, सो यू कैन वेयर एन इनर इनसाइड, अगर आपको चाहिए तो आप इनर पहन लेना अंदर से, ऑब्वियसली फॉर योर ओन कन्वीनियंस, और आप कोई साइकिलिंग शॉर्ट्स पहन लो नीचे, दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश कलर है तो इनकी सबको ये ग्रैब करना है, देन लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे पता है आपको और भी वेरिएशंस चाहिए, मैं ज़रूर लेके आ रही हूँ। थोड़ा ना यू नो आने में टाइम लगता है चीज़ों को, तो जैसे ही आ जाएंगे मैं वीडियोस क्रिएट करती रहूँगी आपके लिए, कल भी वीडियो आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड ऑल ऑप्शन को प्रेस ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को, बिकॉज लाइक करना बहुत ज़रूरी है, मुझे नहीं पता चलेगा फिर कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ डू इट, चैनल की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो प्लीज़। और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ओके। सो यस, सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड प्लीज टेक वैक्सीनेशंस, सो बाय।